तो सुबह के सत्र में हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है और प्रोसेस क्या है और उसके प्रोग्राम्स क्या हैं। पर्पस के ऊपर कुछ डिटेलिंग हम लोगों ने किया था। प्रोसेस के संदर्भ में तीन बातें कही थी, सेल्फ डेवलपमेंट, टीम डेवलपमेंट और सोसाइटी डेवलपमेंट के। और इसमें एक बात ये कही थी कि सोसाइटल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच होगा, ना कि प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होगा। तो सही जीने का ढंग क्या है अपने से लेकर पूरे समाज में, उसको केंद्र में रखेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। उसको ठीक ठीक किया जाएगा तो समस्याएं उसमें अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि उसके ना होने के कारण समस्या है। और जो भी हम लोग प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, वो सब इसी कॉन्टेक्स्ट में है। फिर ये सोचा था कि पहले वाले प्रोसेस पर हम लोग थोड़ा विस्तार करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, तो उसके संदर्भ में फिर बात हम लोग करते हैं इस सत्र में। जो दोनों शेयरिंग अभी हम लोगों ने सुनी उसका फोकस अगर देखेंगे तो सेल्फ डेवलपमेंट पर ही है। बहुत सारी बातें जो हम अभी करेंगे इस बारे में, वो जैसा मोती जी ने अभी इंगेज किया कि शुरू में ऐसा लगता है कि ये सब बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं और हमारे लिए ज़रूरी भी है कि नहीं है, एक और ज़रूरी भी है तो हमारे रीच में है कि नहीं, हम इसको कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम काम करने जाते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं और ये पता लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो काम नहीं होगा। जो हम काम समाज के लिए करना चाहते हैं या अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, वो भी हम ठीक से नहीं कर सकते हैं अगर अपने पर जो काम होना है वो नहीं होता है। तो उस दृष्टि से सारी चर्चा हम लोग इस प्रकार का करेंगे। तो ये एक प्रश्न है जो हमको पूछना चाहिए अपने से जब हम सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो उसकी नंबरिंग आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ भी लिख देता हूँ, ये दिखाई पड़ रहा है ना जी। तो इतनी जगह पर जीने का हमारी पॉसिबिलिटी है और धीरे धीरे देखेंगे तो पता लगेगा कि इन सब जगहों पर हम जीते ही हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम अपने को देखें अगर और अपने जीने को देखें तो हमारे जीने का केंद्र क्या है,
किस चीज को हम केंद्र में रखकर सीखते हैं। तो सबसे नीचे का जो तल है ग्राउंड फ्लोर के हैं या नीचे और उसके हैं वो सुविधा है ना? आगे चल के ये भी पता चलेगा कि सबसे स्थूल है ना, बहुत ग्रॉस। तो हमारा जीने का केंद्र यही है सुविधा, या उससे थोड़ा ऊपर उठ के हम शरीर के स्तर पर भी ध्यान दे पा रहे हैं। अभी अभी देखेंगे ना बहुत लोगों के साथ ऐसा है कि सुविधा के लिए शरीर को भी लगाए रखते हैं, शरीर स्वस्थ रहे अस्वस्थ रहे कोई बात नहीं है ना, सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसा है कि नहीं? इवोल्यूशन की बात हो रही थी ना, कॉपी चेक करना है तो शरीर खाना पीना बंद हो जा रहा है, केवल बस हर कॉपी 10 रुपए दिख रही है। वही वो दिख रहा है। और अभी भी देखे ना जितने भी हम आज के दिन मैनेजमेंट के नाम पर जो काम करते हैं उसमें ज्यादातर तो यही कि हम दूसरे के ऊपर दबाव बनाते हैं, उसके रिफ्लेक्शन में हमारे ऊपर दबाव बनता है, क्योंकि अपने ऊपर दबाव बनाए बिना दूसरे के ऊपर दबाव नहीं बना सकते। अब उससे क्या हो रहा है कि आपका मन खराब हो रहा है, उसका प्रभाव शरीर पे पड़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है ना, शुगर बढ़ रहा है, बट लोग करते रहते हैं उसको कि नहीं? तो सुविधा के ऊपर फोकस है, अब सुविधा के लिए सब ऊपर की चीजों को हम छोड़ने को तैयार है। तो जीने के केंद्र में सुविधा है, अगर ये हमारा जीने के केंद्र में है तो हमारा जो सेल्फ का डेवलपमेंट है वो लोएस्ट स्टेज पर है, इससे नीचे वो कहीं नहीं जा सकते। उससे ऊपर उठेंगे तो कम से कम अपने शरीर पर ध्यान जा रहा है ना, एक आदम की तरह मैं इसको प्रयोग कर रहा हूँ तो मेरी इसके प्रति जिम्मेदारी है, इसको स्वस्थ रखना, इसका पोषण करना, संरक्षण करना, सदुपयोग करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो कम से कम शरीर की तरफ ध्यान जा रहा है, ठीक। तो हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है ना वो ऊपर उठा है ना, तो सेल्फ डेवलपमेंट का एक स्टेज पर हमने कवर किया। उससे और ऊपर जाएंगे तो संवेदना, संवेदना जो है वो शरीर और मन दोनों के योगफल में है। शरीर और संवेदना वाले में क्या अंतर हो रहा है? शरीर में कोई घटना घट रही है, मन उसको पढ़ता है, ठीक है, सेल उसको पढ़ता है। जैसे कोई चीज आप स्वाद लेना चाहते हैं, आप कुछ खा रहे हैं, ठीक है, तो जब तक आपका मन उसमें नहीं लगेगा तब तक उसके स्वाद का पता नहीं चलता। तो शरीर में होने वाली कुछ घटना है जो शरीर में एक जितना स्थूल शरीर है उससे सूक्ष्म है और मन उसको पढ़ता है। तो अगर संवेदना के स्तर पर आप जी रहे हैं तो कम से कम उससे ज्यादा सूक्ष्म हुए हैं ना शरीर से। नहीं, संयम का जो भाव है वो जब हम शरीर के स्तर पर जीने लगेंगे तो वो जागृत माना जाएगा ना, कि हाँ कम से कम शरीर के रख रखाव के लिए उसके ये जो तीनों बातें आती हैं सतत योग, उसके संरक्षण संवर्धन के लिए, तो अगर हम इतना ध्यान सजग हैं तो संयम का भाव के साथ जी रहे हैं ऐसा तो कहेंगे। वही अभी संयम के भाव से जी रहे कि नहीं जी रहे, लेकिन कम से कम संवेदना पर हमारा ध्यान गया है। इस शरीर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है वह है संवेदना। देखिए शरीर को भी आप जो चला रहे हैं ना उसका एक मेजर कंसर्न आपका तो यही है कि अनुकूल संवेदना उसने दे, भले वो संवेदना आप सुख पाने के लिए कर रहे हैं। शरीर से कोई जब चला रहे हैं तो आपको क्या मिलता है शरीर,
तो अनुकूल संवेदना मिलती है, वो हमको अगर सुखद लगती है तो हम उससे सुखी होते हैं। शरीर से जो आपको मिलता है वो इतना ही मिलता है संवेदना, उस संवेदना का आप सूचना के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उस सूचना से कुछ अनुकूलता मान सकते हैं और उससे सुखी हो सकते हैं, या प्रतिकूलता मान सकते हैं उससे दुखी हो सकते हैं। जैसे जो लोग मिर्च खाने की बहुत आदत होती है उनको उस मिर्च खाने में बहुत सुख मिलता है, ठीक है, जिनको उसकी आदत नहीं है उनके लिए सजा जैसे लगते हैं। मिर्च वही है, संवेदना वही है। हम लोग जब ऐसे करते हैं तो जो लोग भूटान से आते हैं और जो लोग महाराष्ट्र से आते हैं उनके मिर्च खाने की मात्रा में, ऐसे महाराष्ट्र के सभी एरिया में ऐसा नहीं है लेकिन बहुत सारे एरिया में है, तो उनके मिर्च खाने की मात्रा में और दूसरे जगहों के जो लोग आते हैं उनके मिर्च खाने की मात्रा में बहुत अंतर है। तो फिर उसका उपाय हम लोगों ने ये निकाला कि एक थैचा बोलकर बनता है महाराष्ट्र में तो और थैचा हम लोग बना के रखते हैं, वो महाराष्ट्रियों के लिए भी काफी सूट कर जाता है और भूटान वालों के लिए भी सूट कर जाता है, और जो नहीं मिर्च खा रहे उनके लिए तो सब्जी है ही। वो शरीर से ज्यादा सूक्ष्म है, मन के साथ जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है। तो उस जगह पर हम अभी देख पा रहे हैं कि नहीं, जी पा रहे हैं कि नहीं, ये उससे थोड़ा फाइन है, रिफाइंड है, ज्यादा सूक्ष्म है। तो जैसे ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं आपका सूक्ष्मता बढ़ता जा रहा है, इसमें शरीर का विषय क्या हुआ वो समझ नहीं आ रहा, संवेदना माइनस कर दें अगर तो संवेदना तो आप कह रहे हैं कि सूक्ष्मता, तो उसमें शरीर का विषय पे क्या ध्यान आया था? वही तीन चीजें इसमें, ठीक है, धीरे धीरे आपके सामने आएगा कि जो भी संबंध है और संबंध में जो निर्वाह है उसका तीन मेजर फोकस है। एक है उसका पुष्ट करना होना, पोषण जिसको कह रहे हैं, चाहे शरीर हो चाहे मन हो जीवन हो, उसका पोषण एक चीज है, संरक्षण एक चीज है, सदुपयोग एक चीज है, ये तीन चीज अपन करेंगे। तो शरीर के संदर्भ में देखेंगे तो शरीर का पोषण करना, पुष्ट करना शरीर को, शरीर का संरक्षण करना और शरीर का सदुपयोग करना। अभी क्या देखिए ना, जो सुविधा पर जिनका ध्यान केंद्रित है वो इसको भी नहीं कर पाते, इस पर भी ध्यान नहीं जाता, बल्कि सुविधा के लिए शरीर को लगा रहे। जितना लोग को प्रमोशन मिलता है या हायर उसमें चले जाते हैं इसका मतलब वो ज्यादा तनाव वाले ज्यादा स्ट्रेस रहने वाले जॉब होते हैं लोग उसको करते हैं, क्योंकि पैसा मिलता है। जो सेल्फ रेगुलेशन की जो फीलिंग है उसमें भी तो सेल्फ इन्वॉल्व है ना, तो वो जो बॉडी का पार्ट है उसमें भी माइंड और बॉडी दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना। देखिए सेल्फ तो इन्वॉल्व है क्योंकि सेल्फ निर्णय ले रहा है, लेकिन केंद्र क्या है आपका, इसलिए लिखा केंद्र क्या है आपके लिए। जब आप शरीर के बारे सोच रहे हैं तो अपने को केंद्र में रखकर शरीर के बारे सोच रहे हैं कि शरीर को ही केंद्र में रखकर शरीर के बारे सोच रहे हैं? जब आप यहाँ पे फोकस करते हैं आपको अपने बारे तो ध्यान ही नहीं रहता, यहाँ पे फोकस करते हैं तो ध्यान ही नहीं रहता। अभी संवेदना को लेकर आप कोई भी स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, पहले पैसा कमाते हैं फिर सामान खरीदते हैं फिर उसकी एक एक सफाई करते हैं बनाते हैं बहुत सारा करते हैं कि नहीं करते हैं, उसमें आपको अपना ध्यान रहता है कि नहीं रहता? ये बात ठीक है कि हम सुखी होने के लिए कर रहे हैं, कर कौन रहा है, कर तो मैं ही रहा हूं, निर्णय तो मैं ही ले रहा हूं, सुखी होने के लिए ले रहा हूं कि नहीं, लेकिन इसका होश है कि नहीं है?
सब माने हुए हैं कि ये हो जाएगा, अनुकूल संवेदना मिल जाएगी तो हम सुखी रहेंगे। 2 में पहले स्टेप में जब हम ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि सेल्फ और बॉडी के कोएग्जिस्टेंस में है, और चौथे स्टेप में हम जब ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैं संवेदना नहीं हूँ, संवेदना से मेरी दूरी है, तो क्या इस अर्थ में, क्योंकि ये उत्तरोत्तर वृद्धि का क्रम है ना, जागृत क्रम है, अभी तक तो शरीर और संवेदना मैं एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देख रहा था, अब जैसे ही संवेदना को आपने शरीर से ऊपर वाली कर दिया तो अब मेरा ध्यान चला गया एक्सरसाइज 2 के उस पहले स्टेप में शरीर और चौथे स्टेप में संवेदना मैं नहीं हूँ, तो क्या इसी क्रम में लिखा गया कि संवेदना चूंकि और सूक्ष्म है इसलिए जाकर चौथे स्टेप में मैं ये बात कह पा रहा हूँ? बिल्कुल, देखिए शरीर के साथ तो आप सीधे जुड़े हुए हैं ही नहीं, आप तो संवेदना के साथ ही जुड़े हुए हैं। शरीर के होने का भी पता आपको कैसे लगता है? तो संवेदना से लगता है। सर इसमें जो सुविधा है, सुविधा अगर हम खाली सुविधा जैसे आप कह रहे हैं कि सुविधा का फोकस हमारा न्यूनतम स्तर पे है, सुविधा भी तो संवेदना से ही कैसे जुड़ी हुई है ना, तो फिर उसे डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं? उसको डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं? डिफरेंशिएट इसीलिए कर रहे हैं, फोकस कहाँ है आपका, केंद्र कहाँ है, दिखा ऊपर भाई, मेरे जीने का केंद्र कहाँ है? सर अगर सुविधा पर कर रहे हैं तो खाली मतलब सुविधा से मतलब क्या है? सुविधा तो संवेदना के लिए ही हो गई ना, मेरा मतलब इतना भी ध्यान रहता है क्या? देखिए क्या है, 30 लाख करोड़ रुपया आपके पास एसेट हो गया, फिर भी आप ध्यान कमाए जा रहे हैं। हाँ वो ध्यान नहीं रहता है, वो सही बात है, वो ध्यान नहीं रहता ना, शरीर का ध्यान है ना, सुविधा का ध्यान है ना, स्वयं का ध्यान, ऊपर वाला तो छोड़ ही दीजिए, जितनी सुविधा एक्युमुलेट कर ली वो सब भोग ही नहीं पा रहे, भोग भी नहीं पाएंगे। तो 30 लाख करोड़ का हिसाब ये है कि पूरे संसार के लोग भी खाएं ना तो साल भर में नहीं खा सकते। और जब शरीर केंद्र केंद्र होते हुए हम जी रहे हैं तो उसको कैसे समझा जाए? हैं जी, जब केंद्र जो है जीने का वो शरीर है, सुविधा को तो समझ गए, संवेदना को भी समझ रहे हैं, लेकिन शरीर केंद्र होते हुए हम कैसे जीते? जिम जाएंगे ना लोग, इतना एक्सरसाइज करते हैं है ना, वॉक के लिए जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, शरीर को भी बहुत खिला रहे हैं पिला रहे हैं, तो स्वस्थ रहने के लिए तो फोकस में शरीर ही है। तो वहां ये समझ को मान रहे हैं कि शरीर का उपयोग, शरीर का पोषण पोषण संरक्षण सदुपयोग में कुछ तो करेंगे ही, मतलब वो समझ के साथ नहीं होगा, जरूरी नहीं है, समझ के साथ भी होगा बट वो केंद्र में नहीं होगा। सर मतलब टैटू बनवा रहे हैं जो, ये तो उससे अलग ही बात है तीनों से, मतलब शरीर पे टैटू बनवा लिया दूसरे से भाव पाकर, ये तो तीनों में नहीं है, पोषण संरक्षण से हाँ सही, तो सर मेरा एक प्रश्न है कि जो समृद्धि का भाव है ये भाव उत्पन्न होते ही सुविधा का सदुपयोग हो गया, संयम का भाव आया पुष्ट हुआ, शरीर का सदुपयोग हो गया, यानी कि ये भाव डेवलप हो रहे हैं और हम धीरे धीरे नीचे से ऊपर खिसक रहे हैं, तो समृद्धि का भाव आया, सुविधा का सदुपयोग हो गया, संयम का भाव आया शरीर का, अब इन दोनों भाव से ऊपर गए तो ये क्या संवेदना से लेकर के अब ये संवेदना कहाँ जाके उसको कैसे मतलब काउंटर कर, मतलब उस तरीके से कर रहे हैं देख रहे हैं तो क्या है कि उससे सूक्ष्म जो है वो संबंध है, संबंध जो है वो संवेदना से भी सूक्ष्म, तो यहाँ जो बात हो रही है वो भाव के संदर्भ में बात हो रही है। संबंध में भी दो चॉइस है अपने पास, एक है दूसरे से भाव पाना, स्वयं में सही भाव को विकसित करना।
ठीक है, तो जब संबंध की बात भी आप सोचते हैं, लास्ट लोगों ने इसे सोचा होगा जब शुरू हुआ होगा संबंध की बात, तो ये तो दिखता है कि संबंध महत्वपूर्ण है। तो सुविधा संबंध और समझ की जब बात की तो संबंध महत्वपूर्ण है ये तो दिखता है, और संबंध का जुड़ाव भाव से है, बट अपेक्षा बनती है ये कि भाई दूसरा संबंध लोग प्रस्तुत हो, दूसरे में सही भाव सुनिश्चित हो। आज सुबह कौन भानु जी बता रहे थे कि ना ये तुरंत ध्यान जाता है कि दूसरे को क्या करना चाहिए, तो दूसरे में क्या भाव हो इस पर ध्यान जाता है। ठीक है, और ऊपर जाएंगे अगर तब ये दिखता है कि ये जो भाव है वो तो मेरे में है। ठीक है, मेरे में तो मैं महत्वपूर्ण हूँ, ये जब मैं महत्वपूर्ण हुआ तब आपका काम वास्तव में शुरू हुआ है। अब इसको अगर पहचाने जाएंगे तो सबसे नीचे का जो निर्धार वो कल्पनाशीलता है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। कल्पनाशीलता में भी अगर थोड़ा रिफाइन करके देखेंगे तो तीनों चीजों की बात है, आशा की बात, विचार की बात और भाव की बात या इच्छा की बात। ठीक है, इस पर ध्यान जाता है, इस पर ध्यान देते देते अभी आप में से जो लोग सुबह के अभ्यास को कर रहे हैं ना, उनको पता चलने लगा होगा कि ये जो भाव विचार चल रहा है इसके पीछे जो है कोई ना कोई संस्कार है। कोई ना कोई मान्यता है, स्वीकृति है, उसी को संस्कार कह रहे। और इसके पीछे भी अगर थोड़ा जाएंगे तो ये जो हमारा साक्षी होना है, दृष्टा होना है, और उसी का एक एक्सप्रेशन के रूप में हम लोग बात कर रहे हैं सहज स्वीकृति का, ये हमारा जीने का केंद्र है क्या। तो मैं हमारा जो है स्वयं जो है वो हम अपने जीने का केंद्र हो गया, उसमें भी कल्पनाशीलता, उससे ऊपर संस्कार या मान्यता, उससे ऊपर हमारा जो शुद्ध दृष्टा के रूप में होना है, साक्षी होना है वो। और थोड़ा स्कोप उसके आगे का ये है कि जब हम दृष्टा के रूप में होते हैं और पूरे वास्तविकताओं को, अस्तित्व को देखने का काम करते हैं, तब ये दो चीजों पर ध्यान जाता है, ये पूरा अस्तित्व से अस्तित्व के रूप में, और अधिष्ठान के रूप में देखें तो शून्य जो है, व्यापक वस्तु जो है वो उसके बेस के रूप में, अधिष्ठान के रूप में। तो वो हमारा हाईएस्ट जीने का जगह है कि दृष्टा के स्तर पर हम जी रहे हैं और दृष्टा के स्तर पर पूरे अस्तित्व को हम सस्तित्व के रूप में देख पा रहे हैं, जो शून्य है, व्यापक वस्तु है उसको देख पा रहे हैं, उस व्यापक वस्तु के सस्तित्व में ही हम हैं इस बात को देख पा रहे हैं, और सारी इकाइयां भी उस व्यापक के सस्तित्व में हैं इस बात को देख पा रहे हैं। कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे, और यहाँ से ऊपर तक जब हम जाते हैं तो यहाँ हमारा होने का केंद्र अगर है कि दृष्टा के रूप में हम इसको देख रहे हैं, अच्छा हम इसका अनुभव कर रहे हैं, तो वहां से जब नीचे आएंगे तो सबको ठीक कर सकते हैं। वहां से नीचे जब संस्कार को देखेंगे तो संस्कार का परिमार्जन कर सकते हैं, और नीचे आकर हम अपनी कल्पनाशीलता को देखेंगे, भाव विचार को, आशा को, उसका परिमार्जन कर सकते हैं। उसके और नीचे आकर जब संवेदना को देखेंगे तो संवेदना का भी ठीक ठीक मूल्यांकन कर सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हैं,
और नीचे आकर देखेंगे तो फिर शरीर का भी हम पोषण संरक्षण सदुपयोग कर सकते हैं, और नीचे आएंगे तो सुविधा का भी हम जो है जो संवर्धन करना है, संरक्षण करना है, सदुपयोग करना है, उसको कर सकते हैं। बट केंद्र क्या होगा? दृष्टा की जगह पर रहते हुए अच्छा हम सस्तित्व को सुनने को अनुभव कर पा रहे हैं, वो हमारा जीने का केंद्र है। तो ये हमारा हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। तो इसमें से जहाँ आप हैं उससे आप अपने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का अनुमान लगा सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो स्वयं में जो पीक है वो अपने आप में पहला वाला तो बेसिकली उसी के पैरेलल ही है, ये इससे कनेक्टेड है। शुद्ध दृष्टा की जगह से जाकर हम उसको देख पाते हैं। तो ऐसा पूरा ये हमारा क्या कहते हैं डायग्राम है अपने डेवलपमेंट का। इसमें जो बात कही जा रही है कि हम कहाँ पर अपने जीवन के केंद्र में स्थिर हो रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि हम कई बार अलग अलग जगह से केंद्र बना के जी रहे हैं। वैसा ही होगा, अभी जो जैसे आप प्रयास शुरू करते हैं ना, तो ये सब जगह पे आपका ऑसिलेशन शुरू होता है। जो नहीं प्रयास कर रहे हैं उनका तो फिक्स है यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 30 लाख करोड़ के बाद भी इसी में लगे। उसकी बिलिंग का सॉफ्टवेयर वो डेवलप करते थे, तो उसने बताया कि हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शन है कि वो जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं कॉल कैलकुलेट करने का, उसमें एक भाग कॉल मैनेज करते हैं आप ड्यूरेशन वो करते हैं कैलकुलेट करके कॉस्टिंग करते थे, उसमें 50 पैसे का एक कॉल होता था। तो उस मैनेज करने के प्रोसेस में ही कॉल ड्रॉप करने का प्रोविजन है। तो कॉल को मॉनिटर कर रहे हैं तो बीच में ड्रॉप कर दिए, तो आप फिर से एक बार लगाएंगे तो एक कॉल एक्स्ट्रा हो गया। आपका एक कॉल एक्स्ट्रा हो गया तो 50 पैसा आपको एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक। तो अभी करोड़ों यूजर्स हैं तो उतने करोड़ मतलब 50 करोड़ मतलब 50% करोड़ जो है इतना हर दिन की बचत हो गई। ये समझ आया क्या कह रहा हूँ? होता ही चाहिए, पहले काफी कॉल ड्रॉप होते हैं। कॉल ड्रॉप करने का उस कॉल को तो कोई मैनेज करता ना सॉफ्टवेयर वाइज, उसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें कॉल ड्रॉप करने का प्रावधान बना दिया जी रिलायंस वालों ने, ठीक। ये उनके इंजीनियर का बता रहा हूँ, बता रहा जी सर। तो उसको तो इंस्ट्रक्शन है ऊपर से कि ये बनाना है फैसिलिटी, उन्होंने बना दिया। आपका एक कॉल ड्रॉप हुआ आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, जितने यूजर है अगर एक कॉल भी ड्रॉप हुआ पड़ रहे तो उतने 1/2 करोड़ का जो है उनको प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से कमा रहे पैसा। तो आपको क्या लगता है इसमें कहाँ आपका जीने का केंद्र होगा? जबकि उस समय भी उनका ऐसे 3 लाख करोड़ का ऐसा था, तो 30 लाख करोड़ हो गए। नहीं सर, जिनकी वो दृष्टि थी वो खाते में चले गए, अभी दिवालिया हो गए छोटे भाई हो छोटा भाई अब दुखी है, बड़े भाई के बारे में ढूंढना पड़ेगा। दुखी है कि उनका पड़ोसी आगे निकल गया। लेकिन वो तो सर कॉल ड्रॉप तो चलिए मतलब ठीक तो भी नहीं था, लेकिन जो ये क्या कहते हैं खून के नाम पे जो कुछ और पाउच में भेज दे रहे हैं, और ये हो रहा है कि वो रंग था वो ब्लड नहीं था, जब सुविधा के लिए इस लेवल पे जब कोई उतर जा रहा है तो कॉल ड्रॉप पे तो यही कि हमारे 50 पैसा चल गया हम सुझला कर दोबारा कॉल कर लिए। ये कई बार ऐसा भी होता था कि हम छोड़ देते थे, चलो काम की बात हो गई। मैं तो सिर्फ मानसिकता की बात कर रहा हूँ जी, मतलब वो तो
और उसके बड़े बड़े उदाहरण मैंने तो साइज बताया कि 30 लाख करोड़ भी नहीं पर्याप्त लगता है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। और इसलिए मैं कोई उनसे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हमारी आपकी बात कर रहा हूँ कि 30 लाख करोड़ हो चाहे एक करोड़ हो चाहे 50,000 रुपया हो, हम यहाँ पर हैं कि नहीं है ये देखना जरूरी, ये हमारा केंद्र है कि नहीं जीने का। आपको परिस्थितियाँ मतलब ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक ही जो है सुविधा संग्रह की बात होती है, जैसे कि जैसे अपने एरिया में गाजियाबाद क्षेत्र में जो पैट भी लगती है, यदि गलती से भी उन्हें एक को पता चल गया कि आज जो है पैट में टमाटर कम आया है तो उसका भी मोनोपोली क्रिएट कर देंगे कि मार्केट में टमाटर है ही नहीं, भले एम्पल अमाउंट में हो तो पता चला कि यदि 40 रुपया किलो टमाटर आ रहा है तो उस पर्टिकुलर डे उस दिन पैट में 70 रुपया 60 रुपये तक भी टमाटर अपना वो बेच के सुविधा पैसा एक्स्ट्रा कमाने की तैयारी भी लग जाते हैं। तो छोटा या बड़े का मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो ये है कि हमारा फोकस केंद्र कहाँ है। जी दृष्टि से एक समय स्वीकृति को हम देखते हैं तो आप यहाँ लिख रहे हैं दृष्टा और समय स्वीकृति, तो देखने वाला अलग है समय स्वीकृति अलग है या दोनों को आपने तो एक ही बता रखा है? वही अभी ध्यान देंगे तो धीरे धीरे पता लगेगा, ये जिसको अभी हम लोग सह स्वीकृति कह रहे हैं ना वो एक ऐसी चीज है जिसमें कोई बदलाव नहीं है, और ये जो बदलाव नहीं होने का जो पहचान है वो दृष्टा का ही पहचान है, बाकी सब में तो बदलाव होता ही रहता है, ठीक है, बाकी सब में ये बदलाव होता रहता है। तो आपका एक तरह का संस्कार होगा तो आप एक तरह से चीजों को देखेंगे सोचेंगे, अगर दूसरे तरह का संस्कार होता है दूसरी तरह से देखते सोचते हैं, लेकिन दृष्टा की जगह से जब हम देखने जाते हैं तो हम सब एक जैसा ही देख पाते हैं। तो ये जिसको सह स्वीकृति हम कह रहे हैं वो दृष्टा का ही देखना है, तो जो जागृत नीचे देखेंगे तो उसमें गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। तो जागृत मानव है वो दृष्टा सह स्वीकृति से ही देखते हैं, दृष्टा तो हमेशा ही सह स्वीकृति जो देख रहा है सह स्वीकृति ही होती है उसमें, आप जागृत हैं तो पूरे समय उसी के आधार पर देखते हैं सारी चीज़ों को, आप जागृत नहीं है पूरी तरह से तो जितना नीचे आके देखते हैं उतना गड़बड़ देखने की संभावना है। जागृत मानव का मतलब है कि उसके जीने का केंद्र ही हो गया, तो पूरे समय वही रहकर देखता है, उसी के तहत ये सब को चलाता है, नीचे के सारे जो हमारे जीने के स्तर हैं उन सबको हम उसी जगह से खड़े होकर देखते हैं, वहीं से उसको गाइड करते हैं। ये देखना भी संस्कार के ऊपर डिपेंड होता है, वही अगर आप संस्कार तक देखने जा रहे हैं तो फिर आप अटक सकते हैं, आप उसके पीछे खड़े होकर देख सकते हैं, इसीलिए संस्कार को देख भी सकते हैं उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं उसका परिमार्जन भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी जो आज सुबह हम लोग बात कर रहे थे कि आप अपने से पूछते हैं कि भाई संबंध का भाव सह स्वीकार के विरोध का भाव क्या उत्तर मिलता है, संबंध का भाव, जबकि संस्कार के रूप में तो आप कितना द्वेष पाले हुए हैं, ये संस्कार लेकिन वो स्वीकार नहीं होता आपको, ठीक है, ये संस्कार का मतलब है जो पक्की आदतें पड़ी हुई हमें उसको कहेंगे, वही पक्की आदत के पहचानने जाएंगे तो उसका मतलब कि जिन चीजों को मैंने सही स्वीकार रखा मान रखा है, ठीक है, तो संस्कार होने नहीं चाहिए, वही संस्कार जो है अगर यहीं पर है और इसके पीछे नहीं जा पा रहे हैं तो ये सही है या गलत है इसका तय नहीं हो पा रहा, तो संस्कार तो होगा दृष्टा होने के बाद भी संस्कार होगा लेकिन वो सही संस्कार होगा, उसके पहले क्या है कि संस्कार सही है कि गलत है उसका कोई मापदंड नहीं होता हमारे पास, तो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, जब सही होता है तो चीजें ठीक चलती हैं, गलत संस्कार होता है तो गलत चलने लगते हैं, इसीलिए अगर हमारे यहाँ पूरे ट्रेडिशन में देखेंगे तो संस्कार को बहुत महत्वपूर्ण माना है और संस्कार के परिमार्जन को संस्कारित करने को बहुत महत्वपूर्ण माना है, और उसी को कलेक्टिवली जब देखते हैं तो उसको संस्कृति का है,
तो संस्कार और संस्कृति, कलेक्टिव में संस्कृति और इंडिविजुअल में संस्कार, वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप संस्कार से गवर्न होते हैं। बट अगर संस्कार गलत हो गया है इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, कैसे उसको प्यूरिफाई करेंगे, उसका परिमार्जन कैसे करेंगे, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, तो उसका परिमार्जन करने का जो तरीका है या जो आधार होगा वो हमारे में पहले से उपलब्ध है। तो दृष्टा की जगह पर, साक्षी की जगह पर हम देख सकते हैं और वहां से तय कर सकते हैं कि ये जो संस्कार है ये सही है कि नहीं, ये हमारे लिए सहज है कि असहज है, सुखद है कि दुखद है। कुछ संस्कार ऐसे भी होते हैं कि वो परमानेंटली एस्टेब्लिश रहते हैं। जैसे कि मॉर्निंग सेशन में भी मैंने एक बार शेयर कर दिया था, जैसे वो भूत प्रेत वाली बात जो है, टीवी पर एक सीरियल चालू था तो ऐसे बैठे तो वो वहाँ पे वो भूत प्रेत का सीन दिखा रहा है, तो इधर मैं देख भी नहीं रहा था, मैं दूसरी बात कर रहा था, बट मेरे स्किन पर रोंगटे खड़े हो रहे, तो ये संस्कार ही है ना। ये परमानेंट का मतलब इतना ही है कि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, चेतन में नहीं आया, चेतन में है वो, तो पड़ा हुआ है अपना कहीं पर, पड़ा हुआ है वो, और पड़ा हुआ है तो काम करते ही रहता है। इसे पर बहुत काम किए, देखिए अभी तो हम लोग इंस्टीट्यूट पर बहुत काम करते रहते हैं, इसलिए उसके बड़े साइंटिफिक डिटेल्स बताते रहते हैं। जिन लोगों ने संस्कार पर काम किया उन्होंने बताया कि चार प्रकार के संस्कार होते हैं। अभी चार दिन पहले जब मैं बात कर रहा था तो उसको मैंने इंगित किया था, एक का नाम है प्रसुप्त, प्रसुप्त का मतलब सोया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से सोया हुआ है। दूसरे का नाम है तनु, तनु का मतलब वेरी वीक, बहुत कमजोर है। तीसरे का नाम है विच्छिन्न, विच्छिन्न का मतलब डाइवर्टेड है, और चौथे को कहा है एक्टिव। तो पहला वाला जो है अपना डॉर्मेंट है, पड़ा हुआ है, बट अनुकूलता मिलेगी उस इधर सीरियल चलेगा तो इधर काम करना शुरू कर देगा। तो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, ये चार प्रकार के संस्कार होता है। हम तो व्यवस्थित में किसी का पता नहीं लगता अभी, तो होश में जब आएंगे तो उदार जो है उसका पता लगता है, और होश में आएंगे तो विच्छिन्न जो है उसका पता लगता है। विच्छिन्न का उदाहरण एक बता देता हूँ, है ना, जो लोग बहुत पैसा के प्रति बहुत बहुत चेहरा वो रखते चिपकाव, वो भी कभी कभी बड़े दानी हो जाते हैं नाम कमाने के लिए, है ना, बहुत सारा पैसा लगा देते हैं। तो पैसा कमाने का और इकट्ठा करने का जो संस्कार वो है बना हुआ, लेकिन अभी नाम कमाने का जो संस्कार है वो उससे ज्यादा अभी एक्टिव हो गया है, तो इसको डाइवर्ट कर दिया उसने, फिर उससे जैसे निकलेंगे फिर शुरू कर देंगे पैसा कमाने के सोचना है, तो ये डाइवर्टेड है। तो आप जिसको परमानेंट कर रहे हैं वो इतना ही कि प्रसुप्त है, वो डॉर्मेंट है, अभी पता नहीं चल रहा उसका, लेकिन बाहर कुछ अनुकूलता मिलेगी तो अपना तुरंत एक्टिव हो जाएगा। हम लोग तो जैसे कभी आप योग सूत्र को पढ़ेंगे ना, तो उस सूत्र की शुरुआत ही होती है चित्त से, वो शरीर वरे यहाँ तक कि कोई बात ही नहीं करते, ठीक है, वो चित्त से शुरू करते हैं, ठीक है। योग जो है चित्त की वृत्ति का निरोध है, यहाँ से शुरू करते हैं। उसके पहले तो ओपनिंग सेंटेंस है कि भाई अब आगे हम योग की बात कर रहे हैं, योग का जो अनुशासन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका पहला सेंटेंस यही है, योग जो है चित्त की वृत्ति का निरोध है, है ना। उसके बाद बताया कि उससे होता क्या है जो निरोध हो जाएगा, तो दृष्टा का स्वरूप हमको स्पष्ट होता है, ठीक है। अन्यथा क्या होता है, तो हम चित्त में जो भी वृत्ति चलती रहती है उसी के साथ लगे रहते हैं, ऐसा डिस्क्रिप्शन बताया।
तो पहले तीन में ही उन्होंने सब बता दिया अपना जो बताना है कि करना क्या चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, अदरवाइज क्या होता है। एक प्रश्न और जाता है, तो जब बात ये आती है कि जो बुद्धि है वो आत्मा के उन्मुख न होकर विमुख रहती है, तो क्या हम यही माने कि ये बुद्धि आत्मा के उन्मुख तभी उसी, ये आत्मा का ही मतलब सहस्वीकृति का ही मतलब एक तरीके से उससे ही बुद्धि हमारी जो है आत्मा के उन्मुख रहेगी, अगर आप ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। देखिए मुख्य बात यह है कि जो दृष्टा है उसके गाइडेंस में चल रहा है कि नहीं बुद्धि, या आपने कुछ मान के बैठा है, ये बात है। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो देखेंगे एक्सरसाइज वन को देखेंगे, तो स्टेप वन जो मोती जी कह रहे थे ना कि वो बहुत क्रिटिकल स्टेप है। तो जैसे आप होश में रहने की बात कर रहे हैं है ना, तो कहीं ना कहीं आप दृष्टा की जगह पे होने की बात कर रहे हैं। तो होश में रहना है, होश में रहकर देखना है और कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। ये प्रतिक्रिया ना करना तो सिर्फ दृष्टा का क्वालिफिकेशन है। अगर आप संस्कार की जगह से भी देखने जाएंगे तो तुरंत प्रतिक्रिया किसी ना किसी रूप में शुरू हो जाएगी। तो अगर एक्सरसाइज वन का स्टेप वन को अगर ठीक से करना हो और अर्चन करना हो तो उसका एक ही उपाय है कि आप दृष्टा की जगह पर अर्चन करें। उससे जैसे नीचे उतरेंगे वैसे गड़बड़े होने लगेंगे। तो जितना भी एक्सरसाइज वन का स्टेप वन से सेवन तक जाएंगे ना, लौट के फिर स्टेप वन पे आना पड़ेगा, बट इस बार आपका स्टेप वन पहले से ज्यादा रिफाइंड होगा। सर जब योगस्थ चित्तवृत्ति निरोधा कहा है तो उसमें चित्तवृत्ति से क्या, चित्तवृत्ति का मतलब है चित्त का जो भी विचार क्रम है पूरा विस्तार है। जो काम क्रोध मोह माया इसको कहा जा रहा है या देखिए वो उसका एक भाग ठीक है ना, तो सही भी हो सकता। देखिए चित्तवृत्ति का निरोध का मतलब, निरोध शब्द का बहुत ठीक से अगर मतलब दिखाई देंगे तो उसका मतलब यही होगा कि वो संपूर्णता के अर्थ में चलने लगे, वो नियंत्रण ये अर्थ नहीं, अन्यथा ना चले, ये उसका मतलब निकलता है। लेकिन अगर आप संस्कार से कुसंस्कार ही निकालना शुरू करेंगे तब आप कहेंगे कि भाई कुसंस्कार रुके। तो इसीलिए कहा है कि मुख्य बात ये नहीं है कि चित्त को खत्म करना है, मुख्य बात तो यह है कि दृष्टा जो है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, उसके आधार पर चित्त चलने लगे। चित्त की वृत्तियां जो है वो दृष्टा के मार्गदर्शन में चलने लगे। सर जो ये बोलते हैं ना कि आपको दृष्टा के जगह पर स्थित होना है तो जप करना चाहिए, तो जप जो भी भक्ति का उसका क्या रोल होता है इसमें? मैं उसको बहुत डिटेल नहीं करूंगा अभी, बट मैंने इसीलिए कहा हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये जो काम हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज वन का वो एक तरीका है वहां तक जाने का, और बहुत तरीके हो सकते कि जहाँ अटके हैं वहां से ऊपर उठने के लिए बहुत तरीके हो सकते हैं, उसमें एक तरीका भक्ति होता है, एक तरीका कर्म योग बताए, एक ज्ञान योग बताए, ऐसे बहुत सारे तरीके बताए। हम लोग एक तरीके की बात कर रहे हैं तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, बट अनेक तरीके हैं, उसमें से एक तरीका भक्ति भी। अच्छा देखिए जब शब्द को ना हम अगर बहुत ऑब्जेक्टिवली लेंगे तो जब का मतलब ये है कि जो भी आपका इष्ट है उसको आप बार बार याद करिए। अगर दृष्टा तक पहुंचना आपका इष्ट है तो इसी का जब करिए, बार बार इसको याद करिए। याद करने से क्या होगा, आपका ध्यान जाएगा, ध्यान देंगे तो दिखेगा, दिखेगा तो समझ में आएगा। तो क्या
अपने तरफ तो मैं कह दे रहा ऐसा नहीं है ना। पतंजलि को भी पढ़ेंगे तो पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्राणिधान ईश्वर की प्रेरणा से भी ये काम हो सकता है, ईश्वर का प्रेरणा पाने से भी। फिर उसके बारे में बताइए उसको किस नाम से उच्चारण करते हैं, किस नाम से पहचानते, ठीक है। फिर ये बताए कि उसके क्या क्या होता है। तो कब उन्होंने कहा कर जब कदर भावना, उसका जब करें उसके अर्थ का भाव करें, ठीक है ना, ठीक है। तो उसके आगे फिर उसको देखने जैसा है, वो अर्थ का भाव नहीं होता जब तब चलता है, वही जब का जब चलता रहता है, नाम होता रहता है तब उसका भाव नहीं, अर्थ नहीं निकालते। हाँ। अर्थ नहीं निकालते तो वस्तु को देखने पर ध्यान नहीं जाता है, तो वस्तु पर ध्यान नहीं देते इसलिए वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो उसमें बताए भी क्यों करना चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि समाधि के स्थिति हमारी दृढ़ होती है, तो समाधि भावना को दृढ़ करने के लिए, और ये जो दुख हो रहा है क्लेश उसको तनु करने के लिए, क्लेश को तनु कर ले और समाधि भाव का मन जो स्थिरता से देखना है उसको दृढ़ कर ले, ऐसा उसको बताया। बट मैं उसके डिटेल में नहीं जाता हूँ, है ना अभी, बट वो भी एक तरीका है। जैसे जब हम दृष्टा में स्थित होने की बात करते हैं तो दृष्टा भाव में तो जो मेरी सोच समझ है, जो मैं सोच रही हूँ वो सभी वैसा ही सोच में होंगे, इस रूप में हम सबके मन की बात को जान सकते हैं, तो उसको हम ये कहते हैं कि जब दृष्टा भाव में होते हैं तो नेचुरल एक्सेप्टेंस तो सबका सेम है, तो सबके मन की बात जानते हैं, तो जिसे ईश्वर को बोलते हैं सबके मन की बात को जानने वाला है, तो इस कैसे देखिए हमारे यहाँ कहा है अंतरात्मा की आवाज़ है ना, तो अंतरात्मा का मतलब ये है कि जो हमारा अंतरतम है उस जगह पर देखेंगे तो हम सब एक जैसे, ये तो हम लोग इतना वेरिफिकेशन कर ही नहीं इस बात का, हम सबका स्वास्थ्य स्वीकार सब एक जैसा ही, तो वहां से खड़े होकर देखेंगे तो एक जैसा चीज हम देख पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो अंतरात्मा की आवाज की बात है, मन का एक जैसा होना या नहीं होना दूसरे के मन की बात को जानना वो एक और दूसरे स्तर की बात है, ठीक है ना। अभी उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, वो क्या है सब बहुत टेक्निकल चीजें हैं और लोगों ने उस पर बहुत काम किया है, मतलब बहुत बहुत रिफाइन करके एक एक चीज को देखा है। जैसे सर आप बता रहे हैं कि बहुत सारे मार्ग हैं, तो हम कौन से मार्ग के लिए सूचित हैं वो कैसे पता चले। देखिए अभी एक मार्ग की बात हो रही है, इसको करके देख लीजिए तो क्या होता है, अगर आपके लिए काम आता है तो भैया ने तो और ट्राई करिए, ऐसे क्या करते हैं। इस मार्ग का एक एडवांटेजेस दिख रहा है हम लोग को, एडवांटेज वो ये दिख रहा है कि भाई इसको फॉर्मल एजुकेशन में ला सकते हैं, विधिवत हर एक के साथ इस पर बात हो सकती है, ठीक है ना, लोग उसको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, हो सकता है ना किसी के लिए सुटेबल हो तो उसको और मार्ग ट्राई करना पड़ेगा। हमारी तरफ से पोजिशन ये है कि ये एक तरीका है, ये तरीका नहीं है। इसके साथ में भक्ति और इसको साथ में योग भी चल सकते हैं। देखिए इसको ठीक से करके देख लीजिए एक बात, है ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर क्या है वो कॉम्बिनेशन परमिटेशन बनाना है तो आप बना लीजिएगा। देखिए लोग तो बनाते हैं, हम आपको बताते हैं भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या है। ज्ञान का मतलब है कि हम उसको समझ के करेंगे, ठीक। भक्ति का मतलब है कि किसी ने कहा और हमको लगता है ये आदमी रिलायबल है, ठीक है ना, तो हमने उसको सही मान लिया, उसको करना शुरू किया, और करने का भी काम कहाँ किया, अपने भाव विचार को ठीक करना शुरू किया, ये भक्ति है। उतना सूक्ष्मता भी नहीं आपके अंदर और स्थूल जीना है आपका, तो कर्म के स्तर पर ले आइए उसको, वो कहता भी ऐसा करो तो ऐसा करते हैं, नहीं करो तो नहीं करते हैं, इतना ही है। तो आपका स्थूलता या सूक्ष्मता कितना उसके हिसाब से आप तय करेंगे कि क्या करेंगे। तो हम लोग कितनी बार भी इस बात को कहें, हम तो ज्ञान के संदर्भ की बात कर रहे हैं,
लेकिन आप इसमें ज्ञान के रूप में लेंगे इसको या भक्ति के रूप में लेंगे या कर्म के रूप में लेंगे ये आपकी तय करेंगे। मतलब जब हम बिहेवियर के में खाली कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो कर्म के और जब हम फीलिंग्स पर करते हैं तो भक्ति है और जब हम दृष्टा के और तो ज्ञान है। तो इसीलिए इधर बहुत सारा दिखेगा इतने सारे देखने जाएंगे ना तो अभी गीता को इतना कुछ बोला कुछ नहीं है और बार बार कहा कि तुम देख लो जांच लो परख लो ठीक है। जब कंक्लूड हो रहा था वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है हमने सुना और सब बात तो ठीक है अब आप पता ही कि हमको क्या करना है ठीक है। तो अर्जुन के कंपैरिजन तो ठीक ही है फिर वैसा ही है लेकिन कृष्ण ने जवाब उसको दिया वो ये बता कि मैंने सब बता दिया तुमको अब जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा उन्होंने तो अपना पैसा लास्ट तक भी मेंटेन किया कि मैंने बता दिया अब तुम अपना देखो और जैसा तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। सर हमारा फियर इतना ज्यादा है ना हमारा फियर इतना ज्यादा है हम एक मार्ग को चूज कर रहे हैं और फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करने के लिए भी रेडी नहीं है इसीलिए सेटल नहीं हो पा रहे। वही वो तो रहेगा ही देखिए जब तक जितना ऊपर जाकर काम नहीं होगा तो तब तक रहेगा तो उसका उपाय है कि काम किया जाए काम चालू रखे जितना ऊपर जाएंगे उतना वो अनिश्चितता वाला भाग कम होता जाएगा निश्चितता वाला भाग बढ़ता जाएगा। फियर तो अनिश्चितता का ही है जितना निश्चितता से देख पाते हैं उतना फियर से मुक्त रहते हैं। सर बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे कोई भी संस्कार दिखा मुझे उसको वैसे वो रिवर बैंक के साइड में खड़े रहकर देखकर उसको ठीक करना है लेकिन ऐसा मिस हो जाता है वो आपने सुबह बोला मनमानी और स्वतंत्रता वाला तो कभी कभी मैं तो हट गई उधर से पर मुझे समझ आया कि ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है ना तो ठीक है नहीं हो तो उसको पड़ा रहने देना मनमानी है कि सॉल्यूशन है अभी फॉर द टाइम बीइंग तो एक हम उसको हैंडल नहीं कर ठीक है उसके बारे में आप ये सोच लें कि ठीक है ये तो गर्म है अगर आपको लगे कि भाई ये ठीक है कि नहीं अभी पता नहीं कि जांच परख करेंगे बट अभी हम इसको हैंडल नहीं कर सकते ठीक है तो उसको टाइम देते हैं क्या इतने हड़बड़ में क्या है देखिए अभी अपना होना तो निरंतर है तो टाइम का कोई अभाव नहीं। अगर आप सेल्फ के स्तर पर जी रहे हैं तो एक अच्छी उपलब्धि है कि भाई कोई हड़बड़ी नहीं वो तो नहीं है इसलिए जिनको सिर्फ शरीर के स्तर पर जीते हैं उनके लिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए स्पीड भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कोई स्पीड महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर हमारे यहाँ के पूरे ट्रेडिशन को देखेंगे ना तो लोग एक जगह बैठे हुए हैं 30 साल 40 साल 50 साल ध्यान लगा रहे हैं उनको कहीं जाने नहीं है अपने बैठे हुए। अब बाहर के लोगों को लगता है कि ये क्या कर रहे हैं हमें खराब कर रहे हैं। अब जो इनको क्या लगता है कि ये कहाँ भागे जा रहे हैं। अलेक्जेंडर के बारे में बताते हैं कि अलेक्जेंडर जब दानियाल के पास गए तो उनसे उन्होंने कहा कि हमको आपसे आशीर्वाद चाहिए। तो कहा किस बात का आशीर्वाद। तो कहा मैं विश्व विजय करने के लिए निकला हूँ तो विश्व विजय का आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी एक इच्छा हो गई विश्व विजय करने के लिए तो उसके बस में होके तुम दलदल की ठोकर खा रहे। अभी अपनी एक इच्छा पर विजय नहीं प्राप्त किए अभी विश्व पर कैसे विजय प्राप्त कर रहे। तो अब दंडायल को तो 2 मिनट में निपट गया उसका मामला कि ये दलदल की ठोकर खा रहा है अलेक्जेंडर। ठीक अलेक्जेंडर को लगता है कि बेकार बैठा हुआ है ना। कि नहीं कुछ लोग तो विचार भी कर ले जी सभी कर्म जो कर लिया फिर उसमें
वही देखिए समझ के करेंगे तो उसका एक नेचुरल शिफ्ट है। कर्म योग को ठीक से करेंगे तो भक्ति योग में चले जाएंगे, भक्ति योग को ठीक से करेंगे तो ज्ञान योग में चले जाएंगे, ऐसा एक नेचुरल उसका प्रोग्रेस है। बट बिना समझे करेंगे तो शिफ्ट करते रहेंगे इधर उधर उधर के लिए कोई बात ही नहीं। और इसीलिए देखिए हमारे ये कहा कि भाई देखो पूरा रेंज है, जो आदमी जहाँ पर जी रहा है जो उसके जीने का केंद्र है वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इतने में जी रहे हैं तो आपको तो जो स्थूल है वही दिखता है, आपसे तो वहीं से बात शुरू की जा सकती है, ठीक है। जो आदमी कम से कम यहाँ तक यहाँ से शुरू करके इसके जो पहला पार्ट है ना कल्पना से तक है कितने में जी रहा है उससे थोड़ी और सूक्ष्म बात की जा सकती है, और जो आदमी उससे ऊपर उठा है उससे फिर ज्ञान योग की बात की जा सकती है। तो आप अगर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन देंगे तो इसके लिए भी सॉल्यूशन देंगे, इसके लिए भी देंगे, इसके लिए भी देंगे, ठीक है। तो कर्मयोग कर लें, भक्ति योग कर लें, ज्ञान योग कर लें, आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर दें भैया, कुछ तो करें, कुछ तो ऊपर की तरफ चले कि नहीं। क्या मैं पर वापस आता हूँ जो बात मैं अभी कहना चाह रहा था इसको आपके प्रश्न के उत्तर में बताया मैंने। अब देखिए इतने को देखेंगे ना तो यहाँ तक अगर हमारा जीना है तो हमारे जीने और पशु के जीने में कोई खास अंतर नहीं है। तो जीव चेतना में जीना जिसको हम लोग कह रहे हैं उसका मतलब जितना हमारे जीने के केंद्र में अगर है तो हमारे और पशु के बीच में कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। संबंध केंद्र में आ जाए, कल्पनाशीलता केंद्र में आ जाए, संस्कार केंद्र में आ जाए, ठीक है, तो हम कम से कम मानव के रूप में जीने का एक प्रोसेस शुरू हुआ, ठीक है। ये हमारा जीने का जगह हो जाए जहाँ हम शास्त्री के रूप में दृष्टा के रूप में हैं और सस्तित्व को देख पा रहे हैं, व्यापक को देख पा रहे हैं, व्यापक में सस्तित्व को अनुभव कर पा रहे हैं, उसके प्रकाश में फिर हमारा संस्कार परिमार्जित हो रहा है, हमारा भाव विचार परिमार्जित हो रहा है, कल्पनाशीलता परिमार्जित हो रही है, उसके साथ चल रहा है तो हम ठीक से जी पा रहे हैं। तो मानवीय चेतना का जो शिखर है वो उतना है, जैसे हम कहते हैं कि मानव के लिए मानव चेतना के साथ अगर जीना है तो सही समझ पहली प्राथमिकता होगी, फिर संबंध और फिर सुविधा। लेकिन यहाँ पर तो जब हम पहले तीसरे तीन पे ही जी रहे हैं तो क्या उनसे सही समझ की बात करके उसको ऊपर लाना पॉसिबल होगा? देखिए क्या है, हम उस पर आते हैं, वो वाला डायग्राम को देख सकते हैं वो फुल डायग्राम देख आगे। देखिए इस पर चलते हैं हम लोग ना, बीच के को अभी छोड़ देते हैं। या इसको ले लेते हैं, ये पूरा एक फाइनल पिक्चर है ना हमारे जीने का, सही जीने का एक फाइनल पिक्चर। इसमें क्या है कि हम अगर यहाँ पर जी रहे हैं व्यवहार कार्य परस्परता में है ना, ये एक हमारा जीने का जगह, उससे रिफाइन करने जाते हैं तो शरीर हमारा जीने का जगह, उससे रिफाइन करते हैं तो संवेदना हमारा जीने का जगह, उससे रिफाइन करते हैं तो ये जो कल्पनाशीलता वाला भाग है ये हमारा जीने का जगह, उससे रिफाइन करेंगे तो ये जो संस्कार है यहाँ पर वो हमारा जीने का जगह है, और रिफाइन करेंगे तो ये हमारा जीने का जगह है। ये नीचे से ऊपर जाने के बारे में बात कर रहे हैं, बट ऊपर चले गए तो ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो ये उसका चीज चित्र है कि यहाँ अगर हमने ठीक ठीक देख लिया दृष्टा की जगह पर सस्तित्व को देख लिया, व्यापक को देख लिया, उसके आधार पर हम विकारी की व्यवस्था को देख पाते हैं, उसकी व्यवस्था में भागीदारी को देख पाते हैं, वही हमारा स्वीकृति है, वही संस्कार है। उसके अर्थ में जब हमारा भाव देखेंगे तो हमारा भाव संबंध पूर्वक जीने का, व्यवस्था पूर्वक जीने का हो जाता है, सस्तित्व पूर्वक जीने का हो जाता है। उसी के अर्थ में विचार कर रहे हैं, उसी के अर्थ में आशा कर रहे हैं,
फिर आगे बाहर जाएंगे तो उसी के अपने व्यवहार कार्य कर रहे हैं, व्यवस्था कार्य कर रहे हैं। तो ये जो पिक्चर बार बार आप लोग देखे होंगे अभी तक है ना, हर शिविर में हम लोग दो चार बार तो उसको रिपीट कर ही देते हैं। ये ऊपर से नीचे ठीक से जी रहे हैं तो उसका एक्सप्रेशन है, लेकिन नीचे से ऊपर जाते समय हम लोग इसकी बात कर रहे थे कि ये जीने का जगह है या उससे अधिक संबंध, उससे अधिक स्वयं, स्वयं में भी कल्पना दुखता के पीछे संस्कार, संस्कार के पीछे जो हमारा दृष्टा होना है और उसमें भी सहस्तित्व का दृष्टा होना है, व्यापक का दृष्टा होना है। तो पहले नीचे से ऊपर जाएंगे फिर ऊपर से नीचे आएंगे। तो जो बात हम लोग अभी कह रहे थे सेल्फ डेवलपमेंट की, टीम डेवलपमेंट की, सोसाइटल डेवलपमेंट की, उसको अगर देखेंगे तो इस पूरे परस्पेक्ट में जब देखेंगे तो सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब इतना है कि ये ऊपर वाला काम ठीक, अपने वाला काम ठीक से हो जाए, ठीक है ना, इसके साथ हमारा व्यवहार ठीक हो जाए, कार्य ठीक हो जाए, व्यवस्था में भागीदारी ठीक हो जाए। अब जब हम उसके साथ परस्परता में जीते हैं तो हमारा टीम बनता है, ठीक है, उस टीम के साथ हम इसके लिए काम करते हैं। जो अनडिवाइडेड सोसाइटी की बात है, जो सोसाइटी की बात है, सोसाइटल डेवलपमेंट की जो बात है, उसको हम कर पाते हैं। जो कोई संस्कार, ऐसा संस्कार हमारे अंदर जो हमारी कंडीशनिंग हो रखी है जिससे हम दुखी हो जाए, वो जब हमें दिखता है तो हम अपनी तरफ से प्रयास करने लग जाते हैं उसको सही करने की, और वो सही नहीं होता बल्कि हमें और प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो एक जब मीटिंग्स होती थी उसमें ये देखा गया भी उसको सिर्फ देखना है, उसको सही करने का प्रयास करेंगे तो वो और सही नहीं होगा, और हमारा ध्यान अगर इस तरफ जाएंगे करने लायक क्या है तो वो अपने आप कम हो जाएगा। ठीक बात है। देखिए क्या है, ये जो यहाँ से जैसे आप नीचे उतरते हैं दृष्टा की जगह से, अगर आप नीचे आए तो आप संस्कार के साथ चलेंगे और संस्कार में कोई प्रतिक्रिया है तो आप प्रतिक्रिया करने लगेंगे, जब प्रतिक्रिया करने लगेंगे तो देखने का काम रुक गया, ठीक है, तो आपका काम ही रुक गया, बाधित हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि आप दृष्टा की जगह पर ही बने रहिए, जो भी हो रहा है उसको देखते रहिए, देखने से ही उसका मूल्यांकन शुरू हो जाता है, मूल्यांकन होने से उसकी जो ताकत है वो अपने आप छिन्न होने लगती है। तो आप तो दृष्टा की जगह से हटिए नहीं, यहाँ जो नदी बह रहा है संस्कार और कल्पनाशीलता का, इसको बहने दीजिए, इसको देखिए, आपके देखने मात्र से इसका परिमार्जन शुरू हो जाए। आप इसमें अगर कूद पड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाए। तो उसका एक उदाहरण बताते हैं हमारे कि तालाब में अगर गंदगी है ना तो उसको छिलने दीजिए, वो छिल जाता है। अगर आप उसमें कूद कर उसको छिलाना चाहेंगे तो और फैलता है वो पूरा गंदगी है। तो ये कह रहे हैं कि आप कूदिए नहीं, आप कूद के तो सब कुछ किए हैं सब ऐसा कह सकते हैं परेशानी है, दुख है, स्वास्तित्व में भी है। आप यहाँ पर नहीं है, है ना, यही दुख का कारण है। आप उससे नीचे आकर कुछ भी मान लिए हैं वैसा है नहीं अस्तित्व में, और वैसा आप करना चाहते हैं वो होता नहीं है, इतना ही दुख है। दुख है नहीं, अस्तित्व की बनावट में नहीं है, है ना, हमारी कल्पनाशीलता में है। अभी कोई कह रहा था ना कि हमारे भाव विचार में ही दुख है, मोती जी कह रहे थे। तो ये तो जब आप काम करते हैं अपने पे तभी पता लगता है। अभी भी देखे ना क्या होता है, किसी ने कोई अपशब्द बोला, जिस समय बोला उस समय आपको प्रतिक्रिया हुआ, ठीक, वो प्रतिक्रिया से ही दुख हुआ, वो बोल के बात खत्म हो गई, 5 सेकंड 10 सेकंड बोला होगा, कितना देर बोला होगा, आप कितने देर रुके रहते हैं? तो 5 सेकंड 10 सेकंड जिन्हें बोला उतने देर आप रुके रहे तो फिर भी समझ में आता है कि उसके कारण दुखी हो रहे,
तो गई होगी, आई गई होगी बात, और आप माल को रिपीट करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, इसके अलावा बाहर तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना? आप उसको पकाए जा रहे हैं अपने अंदर, तो दुख बाहर है कि आपके अंदर है। तो हमने इसे अच्छा और बुरा कहा है जी, इसी घटना को हमने बुरा अच्छा गुड बैड ये सब संज्ञाएं हमें नहीं दी, वही हमने जो अपने मन में बिठा रखा है कि ये सही है, वो वास्तव में सही ना भी हो, हम वैसा जब करने जाते हैं वैसा नहीं होता, ठीक, ये तो सही नहीं है, उसके लेकर हम परेशान होते हैं। जैसे आप पैर के बल चलिए और सर के बल चलिए, ठीक, पैर के बल चलने में ज्यादा ताकत रखती है कि सर के बल चलने में ज्यादा ताकत रखती है? तो अब आप तय कर ले कि सर के बल चलेंगे, अब नहीं चल पाए परेशान हो और आप कहेंगे कैसा सिर पे सर के बल चलेंगे ऐसे ही है चल रहा है अब जिस चीज को शरीर को बचाने का है ना नहीं है उसको आप खा लीजिए, अब वो बच नहीं रहा अब आप परेशान है रोटी खिला ले जो खाने का जितना खाने का बहुत छोटी छोटी बातें हैं सब तो देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा ही है। ठीक चलिए बढ़िया, कोई प्रश्न और बनता तो इसको मैं पूरा कर अच्छा ठीक, टाइम काफ़ी अच्छे बनने वाले हैं, दो मिनट ही बचे हैं तो काफ़ी टाइम ओवर रन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बात को पूरी कर देते हैं। तो ये जो चित्र बार बार हम लोग दिखाते हैं ना, ये हमारे जीने का चित्र है, सही जिएंगे तो ऐसा चित्र हमारे बनता है, जब देखते हैं तो काफ़ी बड़ा सा लगता है, तो जो मैंने पहले से कहा था कि ये काफ़ी बड़ा लगता है क्योंकि बहुत बड़ी बात है और हमारे बस के बाहर है, बट अभी ध्यान से देखेंगे और उसको जैसे अभ्यास करने जाते हैं प्रयास करने जाते हैं तो ये पता लगता है कि ये हमारे लिए एसेंशियल है, आवश्यक है, इसमें सब चीज़ आवश्यक है। दूसरा ये पता लगता है कि ये किया जा सकता है, अवेलेबल है, अचीव किया जा सकता है, ठीक है, और हम सब मिलकर उसके लिए प्रयास कर सकते हैं और उसमें हमारी निश्चित भागीदारी हो सकती है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक में हमारे में इतना होने लगे, दूसरे में होने लगे, हर एक में होने लगे, इसके लिए काम किया जा सकता है, बट इसके लिए सबसे प्रारंभिक यह है कि भाई हमारे में होने लगे, हमारे में जितना हो रहा है उतना हमारा सेल्फ डेवलपमेंट है, जितना अभी नहीं हो रहा है उतना हमको डेवलपमेंट करना है। क्या तो उसको अगर बहुत ब्रॉडली देखेंगे तो ये बात है, जो जितनी बातें जो मैंने यहाँ पर लिखी है ना इसको आप देखेंगे तो ऐसा है, एक तो ये अंतर समझना है कि मैं और शरीर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, उनकी पूर्ति अलग अलग ढंग से होती है, ये हमको समझ में आ जाए, और मेरा होना तो यहाँ है, ये शरीर को तो हम साधन की तरह प्रयोग कर रहे हैं, एक शिफ्ट ये है, अगर ये शिफ्ट होगा तो ये छः पाँच चार का जो केंद्र हमने बना लिया जीने का, इससे हम ऊपर उठ के तीन और दो पर जा सकते हैं, ठीक, स्वयं पर हमारा ध्यान जा सकता है, ठीक है। तो ये सब पूरा वर्कशॉप को देखेंगे तो ये सब उस तरह से प्रॉपरली डिजाइन है ना, तो ये शिफ्ट जरूरी है जो हम लोग इंट्रोडक्टिव वर्कशॉप में बात करते हैं इसके बारे में, एक बार इस पर ध्यान चला गया तो इस पर ध्यान जाना जरूरी है, कल्पनाशील का पर, ठीक है, कल्पनाशील का पर ध्यान चला गया तो इस बात पर ध्यान जाना जरूरी है कि ये कल्पनाशील का चल कैसे रही है, मान्यता से चल रही है, संवेदनाओं से चल रही है ना, या सह स्वीकृति से चल रही है, इसमें एक और डाल सकते हैं हम लोग है ना, वैल्यू है तो उसको देख सकते हैं
और फिर ये जो सहज स्वीकृति वाला भाग है उसको अगर भरने जाएंगे तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है, आशा में जी रहे, विचार में जी रहे, इच्छा में जी रहे हैं, कौन सा हमारा केंद्र है जीने का, उत्तर लिखा है ना, आशा विचार इच्छा का, ऐसा। और ऊपर जब जाएंगे सहज स्वीकृति के गाइडेंस में चलने की बात करेंगे तो फिर ये इसको भरा हम लोग इसका हमको पता चल जाए, इसका पता चल जाता है तो इसके आधार पे देने का काम होना शुरू। इसके पहले जो एरो बने हुए ना ये उल्टा एरो है, ध्यान हो आपको ना, नीचे से ऊपर जाने वाला एरो, इसके बाद ऊपर से नीचे आने का काम, इतना हमारे लिए जरूरी है, सिर्फ सेल्फ के लिए इतना जरूरी है। सेल्फ में इतना होगा तब बाहर आने की बात है। तो इससे कम में काम नहीं चलेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि हम तो आराम में आ जाएं अपने में। उसके लिए जो ऊपर की यात्रा करनी है उसको कर, और पहला शिफ्ट तो ये है कि हम शरीर से ज्यादा शरीर पर अपने जीने के केंद्र को ना रखकर अपने में जीने के केंद्र को ले आए, अपने में फिर कल्पनाशीलता को जगह पर देखने लगे, उससे ऊपर उठकर संस्कार को देखने लगे, उससे ऊपर उठकर अपने जो दृष्टा होना है, साक्षी होना है, उसकी जगह पर देखने लगे, उस साक्षी की जगह पर, दृष्टा की जगह पर अस्तित्व को देखने का काम हो जाए, तब वहां से नीचे फिर आने का काम हो सकता है। इतना हम सबके लिए जरूरी है, ये सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब है। इसके साथ भी परस्परता में जीने में जो दिखेगा वो सब है, तो फिर टीम डेवलपमेंट और सोसाइटल डेवलपमेंट ये सब काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो जितनी बात हम लोग इस सब में रखना चाह रहे थे ताकि इस पर आप लोग रिफ्लेक्ट करना शुरू करें, तो कल इसको थोड़ा और विस्तार करेंगे, जो ये वाला जो जगह है इस पर थोड़ी और बात करेंगे, क्योंकि ये जो B1 ब्लॉक है इसकी क्यों आवश्यकता है, क्या उसकी क्या उपाधीयता है, क्या योग्यता है, वो ध्यान में आना जरूरी है, क्योंकि कल्पनाशीलता तक तो हमने यात्रियों का ध्यान चला गया है, लेकिन और उसके लिए मोटा मोटी क्या करना है, वो जो सह स्वीकार्यता के आधार पर जो उसका प्रमाणन करना है वो काम चलने लगा है, बट उससे ज़्यादा भी काम होना जरूरी है, ये सारी बारीकियों को विस्तार को देखना जरूरी है, उसको देखने के दृष्टि से फिर कल थोड़ा और बात करती हूँ। ठीक, अब बताइए आपका टाइम शेड्यूल क्या है, हमारा बात तो हो गया। सर एक बायो ब्रेक कर लेते हैं 10।